रावण अपडेट कानपुर के टॉप फाइव भाई कानपुर में परेड का रावण का अपडेट दो भाई। हेलो वेलकम बैक टू आवर चैनल गाइस, क्या हाल है आप सभी के। आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे। तो ये आपकी इतनी ज्यादा रिक्वेस्ट पड़ी थी तो देख लिए। तो भाई आप लोग की रिक्वेस्ट पे ले आया हूँ टॉप फाइव रावण की अपडेट इस वीडियो में। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के वीडियो करता हूँ स्टार्ट। मैं आपका भाई रक्ष लेके चल रहा है आपको नई वीडियो में। आप देख रहे हो रक्ष दी कानपुर व्लॉग्स, लेट्स गो। तो गाइस ये लो आ गया हूँ परेड रावण अपडेट। आप लोगों ने इतना मैसेजेस किए, इतना सब कुछ कमेंट किया, थैंक्स फॉर सपोर्ट। बट आपको मैंने जैसा कि बताया ही था, कोई अपडेट नहीं है, कुछ नहीं है। ये लो भाई तुम्हारा रावण भाई यहाँ खड़ा होता है, कुछ भी नहीं है। देख लो अपडेट के लिए ये वीडियो में भटक रहा हूँ, देख लो। सिर्फ आप लोगों के लिए ये अपडेट दे रहा हूँ कि पांचों रावण जो मैंने फाइव की अपडेट देनी थी वो मैं अपडेट ले आया हूँ। मुझे पता था यहाँ पे कुछ नहीं है, फिर भी मैं आया हूँ। क्यों? क्योंकि आप लोग कह रहे थे अपडेट दो। तो ये लो भाई वीडियो आ गई है, अपडेट आपके सामने है। पूरा ग्राउंड खाली है, कुछ नहीं है। यहाँ पे लगने वाला है अभी कुछ टाइम में मेला, वो मेले के लिए ग्राउंड खाली हुआ है। उस मेले के बाद रावण बनना यहाँ पे चालू होगा। बात हमारी हुई है यहाँ के ग्राउंड से, जो ग्राउंड संभालते हैं उनसे, तो उन्होंने बताया कि अभी कुछ रावण का यहाँ पे नहीं है सीन कहीं पे भी। ये हमारे ग्राउंड के हैं जो ग्राउंड को संभाल रहे हैं। तो चाचा नहीं अभी आएंगे रावण वाले? नहीं आए। तो कब तक आएंगे? 15-20 दिन के बाद। तो भाई देख लो, मैंने ग्राउंड के जो ग्राउंड को पूरा संभाल रहे हैं सिक्योरिटी भैया यहाँ पे, तो उनसे मैंने अंकल से पूछवा दिया, 15-20 दिन तक रावण का कोई निशान नहीं है परेड में। यह सेकंड लोकेशन पे, ये अपना एक नंबर ग्राउंड जहाँ मोती झील का रावण लगता है, अभी बंद है। देख लो बंद है, तब भी आया हूँ। क्यों? क्योंकि आप लोगों के कमेंट इतने ज्यादा हैं। देख लो कहीं रावण दिख रहा है, और मेरे ख्याल से वो रावण दिख गया। अभी वीडियो शूट कर रहा तब भी एक भाई का कमेंट आया कि रावण दिखा दो, परेड है भाई, दिखा दिया। नहीं है लो, अंदर में देख कहीं रावण दिख रहा है आपको, लो देख लो अच्छे से। मैटे बड़ी है, ये ले लो, यही है इस टाइम पे। तो भी आप लोग देख लो, दो नंबर एक नंबर जो भी है यार, हमको क्या पता। यहाँ पे भी देख लो कुछ नहीं है, कोई रावण नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। आया हूँ सिर्फ और सिर्फ अपना टाइम वेस्ट करने। क्यों? क्योंकि आप लोग कमेंट इतने थे तो मैंने दिखा दिया। और मैं ये चीज़ जानता हूँ कि कब रावण यहाँ पे लगने वाले हैं। मेरे को यहाँ पे जो भाई हैं, ये तो ऑनर ही अपने पीछे चल रहा है यहाँ का, तो यहाँ का भी मेरे को पता है, परेड का भी मुझे पता चल गया कितने दिनों में आने वाला है। अपडेट मैं आपको दे दूंगा, आप लोग टेंशन ना लो कि जब भी यहाँ पे कोई भी छोटी से छोटी अपडेट होगी कानपुर में रावण से रिलेटेड, मैं आप लोगों को गारंटी देता हूँ सबसे पहले लेके आऊंगा। चलो अब अपनी नेक्स्ट लोकेशन पे ले जाता हूँ ताकि आप लोगों को टॉप फाइव का पूरा मिल सके, ठीक है। चलो मैं अब आ गया हूँ नेक्स्ट लोकेशन पे। ये लोकेशन तो आप बहुत अच्छे से जानते हो, गोविंद नगर, जिसके हर बार पार्ट आ रहे हैं तो ये अपने अंकल जो बनाते हैं। समझ लो ये अपना है छोटी सेंटर का रावण, ठीक है। ये आपको छोटी सेंटर का रावण दिखा रहा हूँ मैं, जो छोटी सेंटर पार्क में लगता है, ये वो रावण है, उसकी अपडेट दे रहा हूँ। तो ये भी बिल्कुल तैयार है, धड़ भी इसके बाहर पड़े तैयार है। जिस किसी ने भी रावण वाली वीडियो नहीं देखी गोविंद नगर की, उसमें देखो, सारी डिटेल उसमें भी दी गई है, इसमें भी दे रहा हूँ। एंड बाकी जो बड़े सेंटर पार्क में लगता था वो तो लगना बंद हो गया क्योंकि वो क्रिकेट ग्राउंड बन चुका है, तो वहाँ पे रावण नहीं लगेगा और अब से बंद हो चुका है। ये बहुत ज़्यादा बड़ी बैड न्यूज़ है। बाकी गोविंद नगर के रावण की बात रही तो वो भी मैं आपको दिखा चुका हूँ। ये रहा रावण तैयार है, यहाँ पे किसी को अलाउड नहीं आना, बट मैंने आपको बताया ही था कि हमको अलाउड किया जाता है क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट, हम लोगों को अलाउड मिल जाता है। तो मैं आपको गोविंद नगर रावण का भी मुकुट वगैरह सब दिखा देता हूँ। कल बत्ती नहीं थी, आज है, तो देख लो ये, तो ये देख लो, ये गोविंद नगर रावण है, लुंगी है, ये सब मैंने आपको दिखा दिया वीडियो में। तो जिस किसी ने वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कमेंट सेक्शन में भी लिंक दे रहा हूँ, जाओ वहाँ से देख लो। पैर वगैरह सारी अपडेट मैंने उसी वीडियो में दे रखी है, तो वो वाली वीडियो आप देख लो। एंड साकेत नगर बचता है टॉप फाइव में, तो अब मैं जानूँ साकेत नगर, और साकेत नगर का भी आपको अपडेट दे देता हूँ कि साकेत नगर में क्या है। और मोती झील का भी अपडेट दे दूँ कि मोती झील में भी अभी तक कहीं कोई रावण नहीं है, कुछ नहीं है। वो भी यहाँ पे भी बनता है और वहाँ क्या कहते हैं, परेड वाले भी बनाते हैं वहाँ का, तो यहाँ पे इस बार ऑर्डर नहीं आया, और परेड में भी कुछ नहीं है, तो परेड में भी अभी मोती झील का रावण नहीं है। तो मैंने आपको सारे अपडेट दे दिए इसीलिए, तो लाइक शेयर ठोक दो अब तुरंत, अब चलते लेट्स गो। नज़र में ये गोविंद नगर का धड़ भी देख लो, ये कुंभकरण, ये मेघनाथ कुंभकरण, छोटे रावण भी बन रहा है तो ये भी बनवा लो, ये भी देख लो। और छाती का डिज़ाइन भी रेडी हो चुका है, ये भी छोटे बड़े रावण आपको मिल जाएंगे। रावण अभी अंदर से दिखा देता हूँ इसी वीडियो में ताकि आप लोगों को थोड़ा सा डिफरेंट मिल जाए इस वीडियो में। बाकी जो डिटेल है इस गोविंद नगर के रावण की, वो उस वीडियो में मिलने वाली है, तो जाओ उस वीडियो को देखो।
ये आप लोग देख लो, ये है रावण अंदर से, मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ, ये देख लो, ये अंदर से है, ठीक है। मेघनाथ है ये, मेघनाथ नहीं सॉरी, कुंभकर्ण है ये, इसके चार हाथ है। तो ये है, ये अंदर से देख लो, पूरा अंदर से ऐसे बल्लियों से साधा गया है। तो ये है, एंड 31 जगह से सब लोग घुसते हैं अंदर काम करने के लिए। बाकी आपको यहाँ पे सारे जो छोटे रावण है बुक कराने, तो आप अंकल को कॉन्टेक्ट कर सकते हो, बुक भी कर देंगे अच्छे, सबसे बेस्ट रेट पे आपको रावण मिल जाएंगे छोटे वाले, वो भी जो गोविंद का इतना भयंकर और भारी सबसे बढ़िया रावण बनाते हैं, वो यहाँ पे आपको बना के देने वाले। तो रावण की तो आप क्वालिटी समझ ही सकते हो क्या आएगी। तो अगर डिस्क्रिप्शन में मैं इनके नंबर दे दूंगा, ताकि आप इनसे रावण वगैरह बनवा सको, ठीक है। तो आ गए अपनी नेक्स्ट लोकेशन, साकेत नगर। ये लो भाई, साकेत नगर का रावण आपके सामने है। तो भाई ये देख लो भाई, साकेत नगर में कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत बड़ी खबर आई थी कि यहाँ पे कुछ हुआ है, जिस वजह से अभी मैं श्योर नहीं, इसलिए मैं कुछ कमेंट नहीं करूँगा कि मेरे को ये पता है, बट एक खबर आई थी कि यहाँ पे कुछ ऐसा हुआ है जिस वजह से यहाँ पे अब से रावण नहीं लगेगा। सो ये देख लो, यहाँ पे रावण बनता है पिछले साल की, अगर आपने वीडियो देखी हो तो आपको पता होगा यहाँ रावण बनता है, अंकल बनाते थे, एंड यहाँ पे अपने झूले वगैरह सब जाइंट व्हील वगैरह लगते थे छोटे। बाकी यहाँ पे अब कुछ नहीं है कहीं पे भी। तो चलते हैं, यहाँ पे बच्चे कुछ खेल रहे हैं, उनसे पूछ लेते हैं लग रहा है या नहीं, क्या सीन है उनसे पूछ के बताते हैं। मैं यहाँ पे खड़ा हूँ जहाँ पे एग्जैक्ट रावण खड़ा होता है साकेत नगर का, तो मैंने पता कर लिया है, भैया बता रहे हैं कि जो मैंने न्यूज़ सुनी थी कि कोई ख़त्म हुआ है, उनकी वजह से नहीं बन पाएगा। मैं अभी उनका नाम नहीं जानता, इस वजह से मैं कुछ कमेंट नहीं कर रहा। तो वो अगर नहीं है तो कोई और बनाएगा, बट साकेत नगर में रावण ज़रूर जलेगा, और ये भैया का कमिटमेंट है। तो भाई साकेत नगर में रावण ज़रूर जलेगा, तो मैंने आपको अपडेट दे दी है साकेत नगर की। अभी कुछ नहीं है, 10-15 दिन के अंदर ही होगा, जब दशहरा बहुत नज़दीक होगा नवरात्रों के आसपास, तभी यहाँ पे भी कुछ होगा। अभी तो कोई अपडेट नहीं है फिलहाल की कि कौन बनाएगा, कब बनाएगा, कितने टाइम पे बनना चालू होगा। तो बट ये है कि हाँ होगा, जो हम लोग कह रहे थे नहीं होगा, बट इन्होंने बताया कि होगा ज़रूर। बाकी अब देखो क्या होता है, जैसे ही नवरात्र स्टार्ट होते हैं मैं एक वीडियो और ले आऊँगा। वही मैंने कहा ना कि जैसे ही कोई अपडेट स्टार्ट होगी मैं वैसे ही वो अपडेट आपको बता दूंगा। सो जैसा कि आप लोगों ने वीडियो में देखा, अभी कहीं पे भी कुछ नहीं है सिवाय गोविंद नगर का। मैंने आपको 6-7 जगह दिखा दिया, छोटी सेंटर सेंटर वगैरह सब बता दिया, मोती झील भी बता दिया, साकेत नगर भी बता दिया, गोविंद नगर भी बता दिया, सब बता दिया। तो अब भाई आप लोग समझ लो कि जैसे ही कोई भी अपडेट कानपुर में आती है रावण से रिलेटेड, आपका भाई दावा करता है सबसे पहले लेके आएगा, प्रॉमिस करता हूँ सबसे पहले लेके आऊँगा, फटाक से आपको दिख जाएगी वीडियो। तो पहले अगर आपको वीडियो देखनी है तो पहले फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब करोगे तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगी, तभी आप सबसे पहले जान पाओ कि कब वीडियो आ गई है और अपडेट उस वीडियो में दे दी गई है। तो आप लोगों को मैं सबसे पहले अपडेट दूंगा, इसकी मेरी गारंटी। तो मिलूंगा किसी और नेक्स्ट प्रॉब्लम में, तब तक के लिए बाय बाय।